बस बाबा से प्रार्थना कर रहा हूँ माँ कालेश्वर जी के चरणों में, ये अब देश दुनिया को कोरोना मुक्त करें और सबके जैसे काम चल रहे थे, कार्य व्यापार आचरण व्यवहार संस्कार जैसे सबके थे, चाहे सामाजिकता के रूप में चाहे संसार जो बोलते हैं, हम वैसे बब्बा बोलते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, सारा संसार एक परिवार। और हमारे पूज्य दद्दा जी ने, श्री पंडित देव प्रभाकर जी शास्त्री जी ने हमें दो बार जो है, एक बार बब्बा के चरणों में 7 दिन और फिर सिंहस्थ में 2 बार जो है वो पार्थिवेश्वर शिवलिंग निर्माण महारुद्र यज्ञ राष्ट्र कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए। तो हम लोग गंधर्व लोग हैं, अभिनय करते हैं, लेकिन हमें मालूम है कि अभिनय के प्रणेता, अभिनय हवा में होता है और हवा में कोई चीज़ कल्पना करके सोची जाती है, उसको कागज़ पे लिखा जाता है, फिर उसको महसूस करके और जब हम उसको आत्मसात करके बोलते हैं तो वही फिर चलचित्र बन जाता है। और जो भी चित्र चलचित्र में बदलता है, उसको कोई अगर इस दुनिया में निर्धारित करता है, विचार पैदा करता है, केंद्र बिंदु होता है, तो वो सम्राट जो है महाकालेश्वर जी हैं। और बस जो भी है कि जितना शत शत नमन करूं उतना कम है कि कला के रूप में आज पूरे संसार में प्यार मिल रहा है एक अभिनेता को, इससे ज़्यादा कि बोलते हैं एक बूंद ब्लड बनाया नहीं जा सकता संसार में, लेकिन एक एक बूंद ब्लड को हंसा के मनोरंजन करके अगर उसको अच्छे से सर्कुलेट किया जा सकता है और उस सर्कुलेशन में हम सब लोग पात्र बने हुए हैं और पात्रता अपनी अपनी निभा रहे हैं, तो बस एक यही दुआ करते हैं कि बस संसार अब सुखी रहे और सब